Kalung ku burung ke pekerau yang kejela bagan yuk jingtip bagi kenaknya tuk-tuk kilala bagan rak yang kinam job hagi jingi simpata ke jungki siaga nasional MRF Supercross kebelalong hapok Raipur Chhattisgarh. Kat kum ke kubur kebelah yolung haka kerana nyokop jangka tu novais 4-stroke 260cc kenam beningkong galecha u bantilang jerwa Apache RTR kat bau Anthony Lingdo Hero Impulse keluar balai. Haka jingi kop ya ke class 6 PVT Export 4-stroke up to 260cc u Jaden Dami Nongklau Hero Impulse uluan ban bat ia ke kedan kabar kat bau Darren Daman Bahakar Kongor Hero Impulse ulebat ia ke kedan kabalai. Ha ke Class 8 Junior 6 up to 250cc sajisin u Jaden Nongklau Hero Impulse uluan ban bat ia ke kedan kabar. Competition number 75 Jaden WN Shillong se kafi riders aye hue Shillong. इस मुकाबले में सबसे खास बात यह होती है कि इसका जो रिजल्ट है, जो नतीजा है, वो हवा में आता है। बाइकर जब हवा में होता है तब ये फैसला होता है कि वो प्रथम, द्वितीय, तृतीय या किस स्थान पर आया है। जमीन पर इस कंपटीशन का फैसला नहीं होता है। ये बहुत खूबसूरत बात है। ओह माय गॉड, एंड द टीवीएस बॉयज आर राइडिंग इन देयर ओन मोटो Over here, ladies and gentlemen, first spot के लिए कुछ भी हो सकता है novice category में। क्या यहाँ पे सचिन डी ओवरटेक करेंगे? Wow! और यहाँ पे mistake हो गया 27 number। बहुत ही रोमांचक सीन चल रहा है यहाँ पे। First position का fight बहुत ही बढ़िया team TVS के दोनों novice riders के बीच में बहुत ही बढ़िया fight चालू है। क्या बात है, अभी टेबल टॉप पे कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। लेट्स सी हु इज गोना कम फर्स्ट इन दिस इवेंट। और यहाँ पे वो लोग राइट हैंड अप बम एंटरिंग ऑन द डबल सीरीज डबल डबल। और ये लेफ्ट हैंड अप बम के ऊपर ये अटैकिंग सीरीज चालू है। सचिन डी बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे उनके फर्स्ट पोजिशन के लिए, उनके गर्दन के ऊपर सांस ले रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सचिन डी इज राइडिंग इन हॉट परस्यूट। ओ बट कंपटीशन नंबर 27 जेरवा बेंटनी लंग जेरवा। क्या बात है, ये दो राइडर्स अलग रेसिंग कर रहे हैं, ये सारे दूसरे राइडर्स को ओवरलैप कर रहे हैं और ये नोविस कैटेगरी का स्टैंडर्ड बहुत ही ऊंचा कर दिया है इन्होंने। फैंटास्टिक राइडिंग गोइंग ऑन ओवर हियर बाय द टीवीएस बॉयज। यहां पे ओवरटेक हो सकता है क्योंकि बैक वॉकर है। और ओ माय गॉड, यही होता है रेसिंग के अंदर, जब आप ओवरलैप करते हो तो आपको ट्रैफिक से लड़ना पड़ता है, आपको ट्रैफिक को हैंडल करना सीखना पड़ता है। ओ लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी फिनिश लाइन के पास कुछ भी हो सकता है। लास्ट लैप, क्या सचिन डी ओवरटेक कर पाएंगे? कंपटीशन नंबर 27 और 40 और यहां पे फिनिश। ओ मल्ला की रायपुर का माया कर पूरा रायपुर। बिल्कुल बिल्कुल, और रायपुर राइड्स अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन कर ले सबके साथ। एवरीबॉडी अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन कर ले सबके साथ सबके साथ। अभी भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने मोबाइल का अपना लाइट ऑन नहीं किया लाइट ऑन कर ले। ये था डेड बॉडी।